तो भाई, जैसे कि आज के दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल हो रहा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया आपका, जो अगर आपको कुछ किसी को भी पेमेंट करना है तो उसका पेमेंट हो गया, क्या आपको खरीदना है तो डायरेक्ट मोबाइल पर बैठ के आप कुछ भी, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट से आप कुछ भी खरीद सकते हो। मतलब एक हमारी जिंदगी इतनी आसान हो चुकी है कि मतलब उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते थे पहले के दिनों में, लेकिन आज वो सब कुछ मिरेकल जैसा रियली रियल लाइफ में हो रहा है दोस्तों। इससे इसके पीछे जो है सारा खेल है मशीन लर्निंग का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जैसे कि सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया और पीएचपी हो गया दोस्तों। उसमें से ही एक लैंग्वेज जावा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जावा है क्या, जावा के कितने फीचर्स है, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा को कैसे कैसे यूज किया जाता है और जावा कैसे इतनी बड़ी और इतनी वाइड एरिया को एक्वायर करते हुए ग्लोबल टॉप हैश टू पर ट्रेंडिंग कर रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग क्लासिक टेक्नोलॉजी की तरफ से ये एपिसोड आप कंप्लीटली देखिए, ताकि आपको और एक वीडियो पर न जाना सके दूसरे जावा वीडियो देखने के लिए। तो पहले दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट बिगिन। तो दोस्तों, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों, इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव के द्वारा इजीली लिखा जा सकता है और इजीली पढ़ा जा सकता है और इजीली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा भी जा सकता है, इसीलिए ये जावा इतनी सरल और इजी हो चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पर अब बात करेंगे ये जावा कहाँ कहाँ पर यूज होती है, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाने में यूज होती है, एप्लीकेशन कंसोल्स कंसोल एप्लीकेशन बनाने में यूज होती है, वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज होती है और आप एम्बेडेड सिस्टम भी इसके थ्रू रन करा सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा जावा कैसे कहां पर कहां पर यूज होता है। ये बहुत ही इजी है, फास्ट है, सिक्योर है। सिक्योर क्यों है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में जैसे कि वहां पर पॉइंटर होता है, वो दूसरे के एड्रेस को इजीली एक्सेस करता था, वहां पर जो इंफॉर्मेशन चुराने का, डेटा चुराने का, जो थर्ड पार्टी जो भी लोग अंदर, मतलब इजीली आप एनोनिमस भी कहा जा सकता है, उनको हैकर भी कहा जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग में अगर आपने एक मतलब कौन सा भी एक टास्क बनाया है उसको इजीली क्रैक किया जा सकता था, इसको इसको इजीली क्रैश किया जा सकता है, क्योंकि उसमें पॉइंटर एक होता है। जावा में ये पॉइंटर नहीं है, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, ये दूसरा का एड्रेस एक्सेस नहीं करता और ये सी से भी ज्यादा जावा आपको सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी। तो आपको पता चल गया होगा क्या है आई डिफरेंस सी और जावा में, क्यों जावा सिक्योर है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पर मतलब वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब बना सकते हो, ब्लॉग्स बना सकते हो, एप्स बना सकते हो। आजकल जितने भी वेबसाइट्स में, कितने भी वेबसाइट्स वेब वेब रन हो रहे हैं वो सारे जावास्क्रिप्ट पर, ज्यादातर ज्यादा जावास्क्रिप्ट पर ही रन हो रहे हैं। और एंड्रॉइड पर जब भी आप एप्लीकेशंस बनाते हो जावा के थ्रू, वहां पर एसडी के मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के थ्रू आप एंड्रॉइड एप्स भी जावा के थ्रू बनाया जा सकता है दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कुछ ऊपर ऊपर का इंटरफेस, अब बात करते हैं जावा के हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, जावा को जेम्स गोसलिंग ने यहाँ पर जावा को मतलब फाउंड किया। जेम्स गोसलिंग और उनके साथी सिस्टम सन माइक्रो सिस्टम्स एक कंपनी थी, उनको कोलैबोरेट करके इस जावा को मतलब उन्होंने फाउंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जावा को इन्होंने, जेम्स गोसलिंग ही मेन, उनका मेन हेड माना जाता है जावा को, जावा का फादर हो गया, जो जावा को इन्वेंट किया उनका नाम हो गया मेन सन माइक्रो सिस्टम। जस्ट उसको डेवलप किया है कंपनी ने, जैसे कि डेवलपमेंट में आते हैं थ्री टाइप्स में देखिए, यहाँ पर J2ME मिलता है आपको, J2SE मिलता है और J2EE मिलता है। J2ME का मतलब होता है जावा माइक्रो एडिशन, J2SE का मतलब होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन और J2EEE का होता है जावा एंटरप्राइजेस एडिशन। तो दोस्तों, जनवरी 23 और 1996 में JDK का पहला वर्जन लॉन्च किया गया, JDK का JDK 1.0। अब यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है जावा SE8, मतलब जावा का SE8 वर्जन यहाँ पर 18 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया है जावा सन माइक्रो सिस्टम्स के कंपनी के द्वारा। जेम्स गोसलिंग अभी भी जिंदा है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, उनके बहुत सारे वीडियोज भरे पड़े हैं इंटरव्यूज के। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, अब बता दूंगा फीचर्स के बारे में, आखिर जावा के फीचर्स है क्या और ये जावा के फीचर्स जावा प्रोग्रामिंग इसको इतनी खास बनाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इजीली समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी प्रोसीजर्स नहीं होता और ये कोई भी प्रोसीजर्स नहीं होता, इसलिए ये ऑब्जेक्ट के थ्रू इजी बन जाती है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। यहाँ पर इजी टू डेवलप मतलब वो भी होने की वजह से यहाँ पर आपको जो भी मेंटेनेंस करना होता है, जो भी उसको सिक्योरिटी देना पड़ता है, वो बहुत ही ईजी बन जाता है आपके लिए। यहाँ पर सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट फीचर मैं बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, विंडोज में अगर आपने जावा प्रोग्राम को बनाया है उसको आप लेना
लिनक्स में रन कर सकते हो, उसको आप एंड्रॉइड में रन कर सकते हो, उसको आप उबंटू में रन कर सकते हो, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का कोई नेसेसरी नहीं है जावा प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है कंप्लीटली। यहाँ पर थर्ड सिक्योर में जो पॉइंटर की बात बता दी वही सिक्योरिटी में आते हैं, मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत ईजी और सिक्योर आपको मिल जाएगी जैसे कि कंपेयर टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर फोर्थ फीचर यहाँ है, यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेज इजीली मानव के द्वारा पढ़ा लिखा और समझा जा सकता है, इसके लिए इसको कहते हैं सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पर फोर्थ की बात करता हूँ पोर्टेबल, मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भी कंपाइलर है उसको सोर्स कोड को बिट कोड में इजीली कन्वर्ट करके आप कहाँ पर भी पोर्टेबल कर सकते हो, इसीलिए इसका जो मेन फीचर है पोर्टेबल होने की वजह से भी जावा हैश टू पर अभी भी ट्रेंड कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट की रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भी जावा के ऊपर कोई भी प्रोग्राम बनाया है वो क्रैच नहीं होता, मतलब लैग नहीं होता उतना, मतलब एनहांस्ड ऑप्टिमाइजेशन के प्रोग्रामिंग यहाँ पर जावा में आपको मिलता है, आपको पता चल गया ना रोबस्ट। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, मतलब यहाँ पर HTTP और FTP प्रोटोकॉल को यूज करके जावा के जो प्रोग्रामिंग है उससे इंटरनेट के द्वारा डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो अब आपको पता चल गया होगा जावा क्या है, आई होप आपको कुछ तो आइडिया मिल गया होगा जावा के बारे में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे वाला रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करके बाद में बेल आइकन आता है उसी को भी दबा देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए अलविदा।